तो yes. बात करेंगे आज की क्लास में फाइल मेनू बार की। तो फाइल मेनू बार में कोई खास चीजें ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप यहाँ से टेम्पलेट, जब न्यू फाइल अगर लेते हैं तो टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के टेम्पलेट को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे चार्ट्स रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे आपको चार्ट्स रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स हैं। आगे चल के आपको फायदा होगा कि अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसकी आइडिया नहीं, मान लीजिए कि आपके अगर बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं है, लेकिन सडनली आपको क्या है कि एक बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ गई। अब आपको पता ही नहीं कि बैलेंस फॉर्मेट क्या होता है, करेक्ट, तो यहाँ से आप मानस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट क्रिएटर ग्रांड चार्ट चाहिए। अब ग्रांड चार्ट आपने कभी देखा ही नहीं है, तो ये ग्रांड चार्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आप होम पे आते हैं तो आपके रिसेंटली जो ओपन वर्कबुक होता है वो बताता है कि आपने रिसेंटली क्या किया। और यहाँ पे एक पिन होता है जिसको आप बार बार ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं डीडी को बार बार ओपन करता हूँ तो मैं इसको पिन कर देता हूँ। ओके, पिन करने से क्या होता है कि ये फाइल अब दोबारा, मतलब कि ये रिसेंटली वर्कबुक में रहेगा, रिसेंटली वर्कबुक में तो रहेगा, लेकिन रिसेंटली वर्कबुक क्या होता है कि ये चेंज होते रहते हैं ना। मान लीजिए अभी कोई और फाइल ओपन करूंगा तो उसके जगह कोई और आ जाएगा इस जगह पे। या मान लीजिए डीडी को मैं 10 दिन ओपन ना करूं तो डीडी से बाहर चला जाएगा ना सर, करेक्ट। लेकिन पिन में क्या होगा कि ये रहेगा, क्योंकि हमने इसको मोस्टली हम इसको यूज करते हैं, करेक्ट। तो आपकी जो मोस्टली ओपन फाइल है उसको आप कर सकते हो इसका, जैसे डंप फाइल वगैरह होता है या समरी फाइल वगैरह होता है या रिपोर्ट ट्रैकर वगैरह होता है, इसको आप डेली यूज करते हो इसको, okay. ताकि वो नीचे मान लो डेली आप मान लो, क्योंकि इसकी तो एक लिमिटेशन है। अच्छा, इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे एक तकरीबन 20 फाइल ही। सर आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर, नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। आपको भी हो रहा है सर? हाँ, आवाज आपका कट हो रहा है। ठीक है, आप ठीक? हाँ, आप आ रहा है। ऑब्वियसली बता रहा हूँ, होली की छुट्टी पे ही हूँ मैं, अभी तक सिटी नहीं निकला है, तो यहाँ मैं मोबाइल फोन। ओहो, ओके ओके। आज का मैंने कि होली 2 दिन थी ना सर, 10 और 11 2 दिन थी सर। ओके ओके, दो सलूक लिया। पता ही नहीं होली तो छुट्टी, थोड़ा सा गांव में होली को सीरियस लेते हैं ना सर। हाँ, ओके सर, ओके। तो यहाँ पे हम ही बोल रहे थे कि ऐसे मान लो दिन भर में आप 100-150 फाइल ओपन करते हो, तो उसमें आप मान लो कि आपने अपनी डम फाइल को सुबह एक बार ओपन किया था अपडेट करने की, अब दिन में फिर ओपन आपने नहीं किया, 100-150 फाइल आपने ओपन कर दिया, तो इसके लिस्ट की एक लिमिटेशन होती है ना ये सर, इसमें लिमिटेड फाइल ही होता आता है ना। हम्म, तो वहां पे दिक्कत हो सकता है आपको। तो आप पिन okay. तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपका पिन फाइल हमेशा रहेगा। ओके okay. और पिन अगर फाइल का नाम से मैंने चेंज किया तो क्या? अगर मैंने अगर सपोज डीडी मेरा नाम है एक्सेल शीट का, मैंने वो चेंज किया डीडी का नाम, तो सर डीडी टू किया, नहीं यहाँ पे नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए, करेक्ट। ओके ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं ओपन। ओपन भी आपका सेम है कि आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे फोल्डर है, फोल्डर लिस्ट है, यहाँ पे वर्कबुक का लिस्ट होता है। ओके, रिसेंटली ये होते हैं, मतलब ये तो रिसेंट आता है, यहाँ पे आप ऑन ड्राइव है, दिस पीसी है, या फिर कोई और पैलेस ऐड करना, जैसे जेड ड्राइव वगैरह होता है ना सर, टीम वगैरह, वो ऐड कर सकते हो, या फिर ब्राउज करके जहां मर्जी जहां जा सकते हो। ओके, इन्फो के अंदर में आपको फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, फाइल की प्रॉपर्टीज की, भाई साइज क्या है, टाइटल क्या है, टाइप क्या है, कब यूज मॉडिफाई हुआ था, कब क्रिएट हुआ था, ऑथर कौन सा है, लास्ट मॉडिफाई किसने किया, वो चीजें यहाँ पे आती है। उसके बाद कौन सी प्रोटेक्ट है, और yes. एक का कोई इशू तो नहीं है इंस्पेक्शन में, कैपेबिलिटी चेक होते हैं, जैसे 2093 के फाइल को 7 में कन्वर्ट कर दिया, जो पुराने थे ना 3 वाले जो बर्जन, वो चीज यहाँ पे देगा। कोई खास यहाँ पे इसका कोई खास यूज नहीं है, देखा इसमें प्रोटेक्ट okay. आगे बाद यूज बताऊंगा मैं आपको। सेव तो आप
ही है कि सेव सेव एज कैसे होता है, इसमें कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। करेक्ट। प्रिंट, प्रिंट में आप प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट की सेटिंग वगैरह मैं आपको आए क्लास में बताऊंगा कि फिर बता देता हूँ कि यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंटर को सेट कर सकते हैं। एक्टिव शीट करने आपको कोई पर्टिकुलर पेजेस करने हैं, करनी है या फिर वर्कबुक करनी है, या फिर सिलेक्टेड प्रिंट करना है, या सिलेक्टेड टेबल को प्रिंट करना है। करेक्ट। यहाँ पे ऑल करना है या कुछ पेजेस करना है, यहाँ पे प्रिंट टू मतलब बोथ साइड करना है। बोथ साइड में क्या है, पेज इधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे या लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे। उसके बाद आपका पेज की साइज कौन सा है, मार्जिन क्या रखना चाहते हैं, और स्केलिंग। स्केलिंग मतलब कि ये रहा ना स्केलिंग, ये स्केल कितना छोड़ फिट टू वन पेज कर दोगे तो एक पेज में फिट कर देगा आपको। ओके ठीक है। ओके स्केलिंग क्या होता है, जैसे कि नहीं समझे कि आपका एक कोई यहाँ स्केलिंग पेज लेआउट में समझ सकते हो, जैसे अभी मेरा डेटा देखोगे तो हो सकता है कि मेरा डेटा एस तक है, एक कॉलम छूट रहा है, तो पेज लेआउट में जाके आप स्केलिंग में क्या करोगे, फिट टू विड्थ को वन पेज कर दिया हमने, फिट टू वन पेज, हाइट मल्टीपल पेज में होगा, तो स्केलिंग में वही चीज होता है यहाँ पे। ओके ठीक है। इसके अलावा पेज सेटअप पे जाओगे तो जो पेज की सेटिंग वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, और इसकी डिटेल्स हम आगे की क्लास में हम समझाएंगे आपको। शेयर मतलब इस फाइल पीडीएफ किसी के साथ शेयर करना चाहते हो ईमेल के थ्रू या फिर ड्राइव के थ्रू तो शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, इस फाइल को पीडीएफ में या एक्सपीएस में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या कोई और फॉर्मेट में करना चाहते हो तो यहाँ सारे फॉर्मेट, टेक्स्ट में करना चाहते हो, सीएसवी में करना चाहते हो, या फिर आपका इसमें ओपन डॉक्यूमेंट करना चाहते हो, बाइनरी करना चाहते हो, पब्लिक। अगर आपने अपने सिस्टम में पावर बी आई इंस्टॉल कर रखे हो तो आप पावर पब्लिश कर सकते हो अपने फाइल को, अपने फाइल को पावर बी आई पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। क्लोज तो क्लोज ही है। अकाउंट में आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। ठीक है। ओके। और उसके बाद यहां हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे फीडबैक मतलब कि अगर माइक्रोसॉफ्ट को कुछ भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, लेकिन खास नहीं है, ऑप्शन पे आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे पहली या दूसरी क्लास में ऑप्शन को सिखा रहे हो, उसका रीजन ये है जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, उसका बॉल पे, उसका रिंग टोन। मान लीजिए ना अपना मोबाइल फोन लेते हो तो उसको अपने करते ना, उसका वॉल पेपर चेंज करते हो, रिंग टोन चेंज करते हो, अलार्म चेंज करते हो सर। करेक्ट। अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करते हो। उसी तरह से एक्सेल को मान लीजिए नया है तो उसको भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। करेक्ट। ठीक है। यस। तो अभी सेटिंग में पूरा नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे कि आप जब नए वर्कबुक ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, और व्यू और कितने नंबर ऑफ शीट होना चाहिए। अब जैसे किसी कोई कोई एप्लीकेशन में एक सीट होता है, किसी में तीन सीट होता है, आप चाहते हो दो सीट चाहिए हमेशा, तो ये चेंज इट, दो कर लीजिए। ओके। दूसरा यहाँ पे था यूजर नेम। अब देखिए किसी फाइल को किसने बनाया है आप उस पर कर्सर रख के पता कर सकते हैं। Okay. प्रीतम ने बनाया है, ऑथर ने प्रीतम है ना सर। ओके। लेकिन अब प्रीतम कैसे नाम पड़ा, डिफॉल्ट आपका सिस्टम लॉगिन आईडी पकड़ लेता है। ओहो। जैसे मान लीजिए आपके अभी जैसे आपने जून के साथ लॉगिन किया तो सानवी करके नाम आ गया। करेक्ट। क्योंकि आपका सिस्टम का यूजर नेम सानवी था। करेक्ट। यहाँ भी आपका एक्सेल में जाकर देखेंगे तो सान भी होगा, या फिर कोई इशू और होगा, या फिर ऑफिस में क्या होता है यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री होता है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अपने हिसाब से जो ऑथर नेम डालना चाहो वो ऑथर नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो।
उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए आपका R1C1 प्रिंट स्टाइल होता है, मतलब ये यहाँ पे ABC आपको दिख रहा है ना सर। जैसे हाँ, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा वैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो जाएगा। अच्छा, उसको भी ऊपर 1 2 3 आ जाएगा। हाँ, मतलब कि अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते A1 होता था, ये हो गया R1C1 row 1 column 1। हाँ, यहाँ देखिए R4 2 मतलब column 2 एंड row 4। हाँ, अच्छा मान लीजिए मुझे इसे प्लस करना है तो अब इसमें कर्सर दिया क्या आ गया R3 1 plus 1, मतलब कि जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उससे एक माइनस वन, एक कॉलम पीछे, मतलब माइनस वन में पीछे। रो पे कुछ नहीं है, मतलब रो सेम होगा। कर दूं, अगर आप यहाँ पे करें, मैं यहाँ पे इसको नीचे करूं तो देखिए क्या हो जाएगा। R2 मतलब रो, दो रो नीचे आना है और एक कॉलम पीछे जाना है। नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं इसको। कभी कभी ऑफसेट फॉर्मूला में VVM का इस्तेमाल हम लोग प्लस हेल्प के लिए कर लेते हैं। ठीक है, हेलो हेलो हेलो, सुनाया सर आपको फॉर्मूला? यस सर। इसमें एक आता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। अभी क्या होता है इसको देख लीजिए, जैसे कि आपने कुछ भी आपके सीज में कोई गलत हुआ, एरर हुआ या फिर आपने गलत तरीके से लिखा, तो आपको एक इंटीमेशन देता है इस तरह का एक अलर्ट। इसमें लिखा तो बता रहा है कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट नंबर, कि द नंबर इन द सेल इज फॉर्मेटेड एज ए टेक्स्ट और पोस्टेड बाय द एपोस्ट्रोफोन। ये आपको बता देता है इस तरह के एरर देंगे। आप नहीं चाहिए आपको तो आप यहां पे क्लिक करके इग्नोर एरर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इग्नोर एरर। ठीक है सर, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी एप्लीकेशन में एरर ना देखो, कि फिर नीचे मैं लिखूंगा तो एरर आ जाएगा। तो फॉर्मूला मेनू बार में ये आपका होता है अनेबल एग्राउंड, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को मैं अनचेक करके ओके कर दिया, तो अब जो है मैं कहीं भी कुछ भी लिखूं अब मुझे एरर अलर्ट नहीं आया। लेकिन ध्यान रखिए, आपने जो चेंज किया है वो कोई पर्टिकुलर फाइल की सेटिंग चेंज नहीं की है, आपने एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज की है। तो एक्सेल की किसी भी फाइल पे जाएंगे तो आप पे ये इफेक्ट आएगा। दूसरा, ये सिर्फ आपके सिस्टम पे इफेक्ट होगा, अगर मैं किसी को मेल करूंगा तो उसके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, उसके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं होगा। रीजन है कि आपकी आपके एप्लीकेशन की सेटिंग है, फाइल की सेटिंग नहीं है। अब किसी के पास फाइल जाएगा तो एप्लीकेशन की सेटिंग लेके थोड़ी जाएगा, इसलिए। लेकिन हाँ, इग्नोर एरर जो हमने किया ये फाइल की चेंजिंग है, तो जहीं भी कहीं भी जाएगा इसका एरर इग्नोर रहेगा। बस गया सर, ये वाई आपको दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ एप्लीकेशन में इस पे मैं चेक कर लेता हूँ वापस। हाँ, वापस प्रूफिंग में आते हैं। तो प्रूफिंग में जैसे कि आपका स्पेल चेक करने का होता है तो उसको खास खास छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन ऑटो करेक्ट में एक ऑप्शन होता है। जैसे कि ऑटो करेक्ट क्या होता है, रिप्लेस टेक्स्ट विद योर टाइप। जैसे मैं एक शॉर्ट वर्ड लिखूं और कन्वर्ट हो जाए एक बड़े वर्ड में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS, सेल्स मारता हूँ तो मंथली सेल्स रिपोर्ट आ जाता है। यहाँ पे DL लिखूंगा तो दिल्ली हो जाएगा, DS लिखूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्टकट हमने बनाए हुए हैं। ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे टाइप जो है, कैसे ऐसे सेंटेंस या ऐसे वर्ड आप टाइप करते हो, इसके दो रीजन है। पहला कि वो काफी लेंदी है, टाइप करने में टाइम लगता है, तो वो आप उसको कर सकते हो। दूसरा, किसी साइंटिफिक वर्ड का आप स्पेलिंग मिस्टेक होता है आपसे, मुझे बराबर होता है सर, कुछ ऐसा साइंटिफिक नेम है जिसकी स्पेलिंग में भूल जाता हूँ,
तो मैं यहाँ पे उसको बना देता हूँ ताकि मैं जब भी लिखूं तो आपके आप चेंज हो जाए। और यार और भी है, जैसे कि आप यहाँ पे ड्रिंक में अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, डी आर एन आई के कर दिया, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके ड्रिंक कर देगा। ऐसे ड्राइविंग का देखिए चेंज कर देगा। ऐसे डोंट नो, यहाँ पे डोंट नो चेंज कर देगा। तो ये पहले से प्री डिफाइन था, आप बना भी सकते हो। ठीक है, बढ़िया। हमारे पीसी में रहेगा या दूसरे इसमें भी जाएगा? आपके पीसी का रहेगा सर। मैं बताया ना, ये हमारा सेटिंग है। अभी हम एप्लीकेशन की सेटिंग कर रहे हैं, तो जो भी होगा आपके पीसी में होगा। ओके ओके, ठीक है। अब एक चीज और होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए किसी की ईमेल आईडी आप लिखते हैं, इसमें लिख दिया kumar@iptindia.com, ये बहुत प्रॉब्लम करता है सर, परेशानी करता है बहुत। इसमें क्या होता है सर, हाइपरलिंक लग जाता है ना सर। अब किसी के डेटाबेस आप बना रहे हो, उस पर हाइपरलिंक लग जाता है, तो मैं मैनुअली जाके हमें हाइपरलिंक को रिमूव करना पड़ता है। करेक्ट। तो हम चाहते हैं कि नहीं, इस तरह की जो ईमेल आईडी कन्वर्ट हो जाती है यूआरएल में, ऐसा ना होना चाहिए। तो हम फाइल में जाएंगे, ऑप्शन के अंदर जाएंगे, प्रूफिंग में जाएंगे, ऑटो करेक्ट में जाएंगे, और यहां ऑटो फॉर्मेट यू टाइप, ऑटो फॉर्मेटेड एज यू टाइप पे जाके यह इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक को अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद क्या होगा कि अब आप किसी भी एक्सेल फाइल में किसी भी तरह का पाथ अगर आप टाइप करते हैं तो वो आपका हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉर्मल टाइपिंग रहेगा। ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है सर। प्रूफिंग के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे बाकी कोई खास नहीं है, सेव। सेव में है कि आप आपका फाइल डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में सेव होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक रखा हुआ है, क्योंकि मैं बराबर माइक्रो पे काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्सेल वर्कबुक में फाइल को सेव कर दूंगा तो मेरा माइक्रो डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो कैरी नहीं करता है, माइक्रो को कैरी नहीं करता है, इसलिए आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। उसी तरह से हमारा यहाँ पे ऑटो रिकवर, ऑटो रिकवर क्या होता है कि जैसे फाइल सिस्टम में गलती के कारण बंद होता है, हैंग होके या फिर अचानक सिस्टम आपका शट डाउन हो गया, तो हर 10 मिनट में फाइल को वो सेव कर देता है इस लोकेशन में, जब दोबारा फाइल खोलेंगे तो वापस आपको आपका रिकवर करके आपको दे देगा। तो टाइम को घटाना बढ़ाना है तो बढ़ा घटा सकते हो। उसके अलावा आपका डिफॉल्ट फाइल लोकेशन माई डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या है कि हम लोग माई डॉक्यूमेंट में फाइल तो सेव करते नहीं, तो यहाँ पे आप डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव अपने हिसाब से डाल सकते। फिर लैंग्वेजेस में और इजी एक्सेस में कोई इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, एडवांस में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, जैसे कि आप एंटर मारते हैं तो कर्सर डाउन जाता है, तो आप यहां से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि भाई डाउन नहीं, अप जाए, लेफ्ट जाए, या फिर एंटर मारने पे हो ही ना, तो यहां से अनचेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जब भी नंबर डालेंगे वो आपका डेसिमल प्लेसेस में, मैं दो मान लीजिए 100 आपने डाला तो 1 हो जाएगा, आपने 500 डाला तो 5 हो जाएगा, हर नंबर को वो 100 से डिवाइड कर देगा। जब आपको डेसिमल वगैरह में ज्यादा लिखना पड़ता है परसेंटेज वगैरह में, इसका यूज कर सकते हो, बाबा परसेंटेज का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ड्रैग, जब किसी सिलेक्ट किसी भी कर्सर को सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे से आप ड्रैग कर देते हैं तो नहीं ड्रैग करना है, यहां से अनचेक कर सकते। इसी तरह से और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं बोलूंगा एक बार इसको स्टडी कर लीजिए एडवांस। ठीक है सर। हेलो, यस सर। एडवांस को आप स्टडी कर लें, और जो चीज आपके लिए यूजफुल लग रहा है और आप नहीं समझ पाए हो, मुझे कल बताइएगा, हम कल आपको समझा देंगे। ओके सर।